हाँ जी कंप्यूटर महोदय, हो गया क्या स्टार्ट? चलिए कि हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना, हार जाओ जिंदगी में मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। क्योंकि ये 7th पार्ट है, 6वें पार्ट तक मैं अभी आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी करा चुका हूँ। 6 पार्ट करा दिए, आप लोग सोचिए कि क्या मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर कुछ छोड़ने वाला हूँ? कुछ भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। वास्तविक रूप से अगर अच्छे तरीके से कोई स्टूडेंट अगर तैयारी कर रहा है तो उसके लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी यहां पर आकर, ये मान लीजिए उसका एयरफोर्स, SSR, नेवी, AA, इनका निपटारा हो गया। 70-80% NDA का निपटारा हो गया, 20% बचा है, आगे आने वाली क्लासेस के अंदर उनको भी तैयार कर लेंगे। ठीक, तो अगर आप NDA की तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, नेवी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अगर आप TGT PGT की भी तैयारी कर रहे हैं, या फिर अगर आप JEE मेंस की तैयारी कर रहे हैं, JEE एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर भी आपके लिए ये फुल हेल्पफुल होने वाला है। स्पेशली NDA के स्टूडेंट के लिए, मतलब डिफेंस के स्टूडेंट के लिए ये खासकर बैच चलाया गया है। तो आज का जो ट्रिक है, आज मैं ट्रिक ही बताऊंगा, कॉन्सेप्ट के साथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर इस सवाल को कॉन्सेप्ट से करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, वीडियो भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं नहीं चाहता कि इतना ज़्यादा वीडियो लंबा भी हो। ठीक, तो 4-5 क्वेश्चन कराएंगे, लगभग 5 क्वेश्चन कराएंगे और एक एक करके सभी क्वेश्चन को समझेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ nth टर्म्स ऑफ द AP इज 3n+8, 7n+15, देन A12/A12। इस सवाल को समझिए, यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों के योगफलों, यदि समांतर श्रेणी के n पदों के योगफलों का अनुपात, मतलब दो समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी पहली, समांतर श्रेणी दूसरी, दो समांतर श्रेणियों के n वे पदों के योगफल क्या है, 3n+8, 7n+15। तो आपसे पूछा गया है कि उस समांतर श्रेणी के A12 का मतलब समझ रहे हो आप लोग? A12 का मतलब है TN, इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब है T12-, इसका मतलब 12वें पदों के योग को बताइए, मतलब दो समांतर श्रेणी हैं, उनके पदों के योगफल दे रखे हैं अनुपात में। आपसे पूछा क्या है, उन पदों के अनुपात पूछे हैं 12वें पदों के। तो देखिए, मैंने ट्रिक जो बनाई है वो ट्रिक है कि n पदों का योगफल से हमें n वां पद निकालना है। अगर कहीं n पदों का योगफल दे रखा है और हमें n वां पद निकालना है तो हम n की जगह पर क्या रख देंगे सरकार, 2n-1 रख देंगे। क्या रख देंगे? 2n-1। और अगर n पदों का योगफल दे रखा है उससे हमें n पदों का योगफल निकालना है, उल्टा निकालना है, पद दे रखे हैं योगफल निकालना है, तो n+1/2। n पदों का योगफल दे रखा है, n वां पद निकालना है, तो 2n-1। बस इतना सा समझ लेना है, इस बात को समझिए। तो हमें क्या करना है, 3n+8/7n+15, यही तो दे रखा है सवाल सरकार, यही तो दे रखा है। लेकिन ये तो सर SN दे रखा है, ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है आपको SN/SN-, तो आपको निकालना क्या है, TN/TN- निकालना है, TN/TN-, यानी कि आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है TN/TN-, इसका मतलब क्या है, T12/T12-, n की जगह पर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये क्या है, 3, ये क्या है 3, n की जगह पर हमें क्या रखना है, क्योंकि n पदों के योगफल से हमें nवां पद निकालना है, तो n की जगह पर 2n-1 प्लस का 8/7, n की जगह पर क्या रखना है 2n-1 प्लस का 15, इस बात को समझिए। तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 × n की वैल्यू कितनी होगी सरकार, n की वैल्यू होगी 12 दे रखी है, -1 प्लस का 8/7 2×12-1 प्लस का 15, तो सरकार कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 × 2 = 24, 24 में से एक गया तो 23, 23 × 69 प्लस का 8/12 × 2 = 24, 24 में से एक गया तो 23, 23 का गुणा 7 से करेंगे तो कितना आएगा, 23 × 7, 7 × 21, 7 × 2 = 14, 14 × 2 = 16, 161 प्लस का 15, तो ये कितना बनेगा सरकार, ये बनेगा आपका 77, और ये कितना बनेगा, ये बनेगा आपका 176, तो 77/176 इस सवाल का सही जवाब होगा।
मैंने आपको समझाया है, इस वजह से ये सवाल इतना लंबा हुआ। सरकार चंद सेकंडों में कर जाते हैं आप इस सवाल को, कितनी सेकंडों में, चंद सेकंडों में। बात समझ में आई, नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपको समझ में आया कि नहीं ये बताइए, अगर हमें एन पदों के योगफल से, एन पदों के योगफल से एन वा पद निकालना है तो एन की जगह पर बस टू एन माइनस वन रख देना, बस इतना याद रख लो। तो जो एन दे रखा है उसमें टू एन माइनस वन, टू एन माइनस वन। अब 12 है तो 12 रख दो एन की जगह पर, 13 है तो 13 रख दो, बात खत्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसी में से क्वेश्चन बन जाएगा आपका, आर एस अग्रवाल का भी क्वेश्चन है ये, मैं आपको आर एस अग्रवाल से ही बता देता हूं, ठीक है। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए, तो आर एस अग्रवाल का है ये। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आया हूं, और ये आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 33 है, मतलब जो आर एस अग्रवाल एनडीए वाला दे रखा है उसमें क्वेश्चन नंबर 33 है, आप लोग देख सकते हो, ठीक। तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। यदि समांतर श्रेणियों के एन पदों के योगफलों का अनुपात 7n+1 4n+27 है तो इन समांतर श्रेणियों के 11वें पदों का अनुपात क्या होगा। आपको पता है जब एन पदों का योगफल दे रखा है, एन वा पद निकालना है, तो हम एन की जगह पर क्या रख देते हैं, सरकार 2n-1 रख देते हैं। तो वही चीज मैंने लिख रखी है, तो 7n की जगह पर 2n-1+1/4n की जगह पर 2n-1+27। इस बात को समझ लीजिए बच्चा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एन की जगह पर रख देना है कितना, 11वां पद पूछा है, तो 11 × 22 माइनस का 1+1 अपॉन 4, 11 × 22 22 में से 22 माइनस का 1+27 तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा आपका 7 × 21+1 और 4 × 21+1 तो ये कितना बनेगा, 7 × 7 = 14 = 147+1 अपौन 4 × 4 = 8 21 × 6 = 84 तो ये बनेगा 148/85 तो 148/85 148/85 चेक करिए, ये 85 है कि 11 है, यहाँ पर है ये 4n+27 तो यहाँ 27 होगा, 1 की जगह पर कितना होगा, 27 होगा। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 7 × 4 = 8, 2 × 10 = 11, 111 तो 148/111 इस सवाल का सही जवाब होगा। किसी स्टूडेंट को कोई समस्या आई भाई, सीधा सीधा जवाब है, यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, यदि दो समांतर श्रेणियों के n पदों के योगफल का अनुपात दे रखा है 7n+1 4n+27 तो इन समांतर श्रेणियों के 11वें पदों का अनुपात क्या होगा। तो कुछ भी नहीं करना, n पदों के योगफल से nवां पद निकालना है तो n की जगह पर हम क्या रख देते हैं, 2n-1 रख देते हैं, बात खत्म, फंडा खत्म। अब सवाल का थोड़ा सा पैटर्न चेंज करते हैं, जब nवां पद दे रखा हो और n पदों का योगफल निकाल रहा हो उस सवाल को सेकंड में कैसे करेंगे, चलिए तो देखते हैं। अब जब आपसे उल्टा पूछ ले सरकार तो आप क्या करोगे, जब आपसे उल्टा पूछ ले क्वेश्चन क्या आएगा, अब n वे पद से n पदों का योगफल पूछेगा, यदि दो समांतर श्रेणियों के n पदों के योग n वे पदों का अनुपात 2n+8 5n-3 है, दो समांतर श्रेणियों के n पदों का अनुपात 2n+8 5n-3 है तो आपसे पूछा है 29वें पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, 29 पदों का योगफल का अनुपात, इन दोनों समांतर श्रेणियों के 29 पदों के योगफल का अनुपात निकालिए। आपसे पूछा है अगर n वे पद से n पदों का योगफल पूछे तो क्या करते हैं सरकार, n+1/2 कर देते हैं, जब n वे पद से n पदों का योगफल पूछे तो n+1/2 कर देते हैं, और जब आपसे क्या पूछे, जब आपसे n पदों के योगफल से n वा पद पूछे तो 2n-1 कर देते हैं, बात खत्म, दैट्स ऑल। तो यहां पर हमें क्या करना है, हमें करना है 2n की जगह पर n+1/2 + 8/5, n की जगह पर n+1/2 - 3, बस इतना ही तो करना है, बात की बात खत्म। अच्छा जी, n की वैल्यू कितनी सरकार, n की वैल्यू 29, तो 29+1/2 + 8/5, n की वैल्यू 29+1/2 - 3, बोले कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को, कोई समस्या, चलिए सरकार। तो ये कितना होगा, 2 से गया 30, 15 बार, 15 × 30 और 8
38, 5 2 से गया 15 बार, 15 5 75, 75 में से 3 गया तो 72। एक बार चेक करिए, 15 4 60, 15 5 75, 75 में से 3 गया तो 72। 2 से अगर कैंसिल आउट करें तो ये 19 बचेगा और 36 2 72 तो 19/36 आपका सही जवाब होगा। क्या होगा सरकार? 19/36 आपका सही जवाब होगा। बोलिए किसी स्टूडेंट को कोई समस्या, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप बताइए। कोई दिक्कत आ रही है किसी स्टूडेंट को, कोई समस्या आ रही हो तो बताओ। अब अगला सवाल, समझ में आया कि नहीं? क्लियर। अब अगला सवाल, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता। जैसे मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, मेरे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, क्वेश्चन है 14n-6, 14n-6 अनुपात, ये कितना है सरकार? ये है आपका 8n+23, 8n+23। अब आपसे पूछा क्या है, कितने पदों का योगफल पूछा है? आपसे पूछा है, आपसे n पदों का SN/SN- पूछा है। मान लीजिए क्या पूछा है? SN/SN- पूछा है, यानी कि n वे पदों में ही पूछा है, n पदों में ही योगफल का अनुपात आपसे पूछ ले। ऐसे पूछ ले भाई, n की जगह पर हम 15 भी रख सकते हैं, 8 भी रख सकते हैं, 10 भी रख सकते हैं। तो ये वैल्यू तो दे रखी है 14n-6 और ये वैल्यू है 8n+23। बोलिए कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को? कि हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना, हार जाओ जिंदगी में मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। दोस्तों सबसे बड़ी बात होती है कि किसी भी क्वेश्चन को अगर हम टैकल कर रहे हैं तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हालांकि मैंने इस क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ज्यादा हाई लेवल पर नहीं समझाया, डायरेक्टली ट्रिक के माध्यम से ही समझा रहा हूं, लेकिन जिस भी क्वेश्चन को मैं टैकल करता हूं इसका भी कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, किसी ना किसी वीडियो के अंदर लेकर आऊंगा। तो जिस क्वेश्चन को भी मैं करता हूं, जिस क्वेश्चन को भी आपको बताता हूं, उसका कॉन्सेप्ट जरूर बताता हूं। कॉन्सेप्ट से आपको ये नहीं बोलूंगा कि पदों का योगफल n वा पद 2n-1 याद कर लो, ऐसे नहीं, सब कुछ तरीके से। तो इसका कॉन्सेप्ट भी आपको सिखाया जाएगा। अब आपसे बोला है कि दो समांतर श्रेणियों के n वे पदों का अनुपात 14n-6 8n+23 है, तो इस समांतर, इन समांतर श्रेणियों के n वे पदों का योगफल क्या होगा? भैया n वा पद दे रखा हो, n पदों का योगफल पूछा हो, तो हम क्या कर देते हैं सरकार, n+1/2 n की जगह पर पुट कर देते हैं। तो यहां क्या होगा, 14 n की जगह पर n+1/2 माइनस का 6 अपॉन 8 n की जगह पर n+1/2 प्लस का 23। बोलिए कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को? 2 से काट देंगे तो कितनी बार, 7 बार, 2 से काटेंगे तो कितनी बार, 4 बार, 7 का गुणा करो, 7n+7-6 अपॉन 4 का गुणा करेंगे तो 4n+4+23। बोलिए किसी स्टूडेंट को कोई समस्या? अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करें लला, तो ये कितना होगा 7n और ये कितना होगा प्लस का 1 अपॉन, ये कितना बनेगा 4n और ये कितना बनेगा 27। तो 7n+1/27 क्या बना सरकार, 7n+1/27 आपका राइट आंसर आया। बोलिए कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को? तो आपके n पदों का योगफल क्या आया, ये निकल कर आया। अब आपसे पूछ लेता, मान लो कि S20/S20-, 20 पदों के योगफलों का, दोनों समांतर श्रेणियों के 20 पदों का योगफल, तो यहां भी रख सकते हो आप डायरेक्ट, 7×20+1, 4×20+27, तो ये कितना होगा, 20×7=140 और 1=141 बटा, ये होगा 20×80 और ये हो जाएगा 107, तो कितना हो गया 141/107, कितना हो गया सरकार 141/107। n पदों, जब n पद दे रखे हैं, दो समांतर श्रेणियों के n पदों का अनुपात दे रखा है, तो उन दोनों समांतर श्रेणियों के 20 पदों का योगफल 141/107, nवे पदों का योगफल का अनुपात 7n+1/4n+27 होगा। किसी स्टूडेंट को अगर कोई समस्या आई हो तो बताओ, कहीं भी कोई समस्या। भाई साहब दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एयरफोर्स तो इस टाइप के क्वेश्चंस को थोड़ा सा कम पूछता है, क्योंकि ये वहां पर अगर देखा जाए तो थोड़ा सा लेंदी बन जाता है, लेकिन अगर बात करें
चलिए, तो ये जो क्वेश्चन आपने देखा वो बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हो। मैंने आपको दो तरीके के कराए, एयरफोर्स इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा सा कम पूछता है, हाँ पूछ लेता है, 10-12 पेपर होंगे तो उनमें से एक पेपर के अंदर आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिल सकता है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये वाला क्वेश्चन मेरे पेपर में नहीं आएगा, आ भी सकता है, लेकिन डबल ए आर्टिफिशियल अप्रेंटिस वाला और आपका एनडीए, ये दोनों के दोनों इस क्वेश्चन को मतलब पेट भर के पूछते हैं, इतना पूछते हैं जितना उनसे पूछा जाए, तो ये क्वेश्चन वो पूछते ही पूछते हैं, समझे किसी बात को, किसी बात को। चलिए समझ में आ गया होगा, आज की वीडियो को सिर्फ यहीं विराम देंगे क्योंकि अब यहां से आगे हमें नेक्स्ट वीडियो भी बनाना है और भी टॉपिक्स आपके जो छूट रहे हैं उन टॉपिक्स को कराना है। समांतर श्रेणी की अगर आपको वीडियो अच्छा लग रही है, वीडियो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, यार अंत है अब तो मैं बोल ही सकता हूँ, मैंने शुरू से लेके नहीं बोला अब तक, तो यार चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा, आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब एक शेयर मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है, मुझे मतलब दिल से बहुत बड़ी खुशी होती है कि चलिए कि सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं, लाइक भी बढ़ रहे हैं, अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं, शायरी वगैरह आ रही हैं, तो आप लोग उन चीज़ों को लिखा करिए, ठीक। मुझे उम्मीद है आप इन सभी कामों को करेंगे अपने दोस्तों के साथ जो गरीब हैं, जो नहीं फीस जमा कर सकते 8-8, 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार रुपये, जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स में नहीं पे कर सकते, उन तक तो कम से कम इन वीडियो को पहुँचा सकते हो, मुझे उम्मीद है आप पहुँचाओगे भी। और अब हर बंदा जागरूक हो चुका है, राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा, अब हर कोई राजा बन सकता है। तो डिफेंस के स्टूडेंट तो काफ़ी ज़्यादा ध्यान दें और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा, अगर कोई और नहीं करता है तो चलेगा, लेकिन डिफेंस वाले तो ज़रूर करिएगा, एयरफोर्स एनडीए एक्स ग्रुप वाले, तो ये तो आप लोग कर ही लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लास्ट में ये बोलूँगा कि हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना, हार जाओ जिंदगी में मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। जय हिंद मेरे जवानों।